हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दही भल्ले की रेसिपी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फिर बनाते हैं। चलिए बनाती हूँ फिर। ये मैंने लिया है 300 ग्राम उड़द की दाल है। इसको मैंने 2-3 घंटे पहले इसको भिगा दिया था। ये देखिए, इसके पानी को फिर मैंने स्टैंडर में निकाल दिया है। अब इसको मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। डाल के करेंगे फिर उसके बाद, क्योंकि ये दाल जल्दी नहीं पिसती है, तो थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल कर करेंगे। देखिए बिल्कुल बारीक मैंने कर लिया है। ये दाल थोड़ा हार्ड होती है, इसमें थोड़ा पानी डाल कर करिए करिएगा, नहीं वरना आपका मिक्सर खराब हो जाएगा। ये देखिए दाल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब इसको घड़ी देखकर आप 15 मिनट तक एक ही तरफ, जैसे अगर आप इस तरफ मिला रहे हैं तो आप इधर ही को हिलाएंगे, अगर आप इधर को हिला रहे हैं तो इधर को, एक ही रुख को आप पूरी दाल को अच्छे से फेंट लेंगे। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं दही भल्ले में, जो ऊपर से डालते हैं मसाले, उसके चटपटे से मसाले हैं। ये मैंने लिया है 1.5 टीस्पून मैंने लिया है ये ज़ीरा, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन का ये बहुत ही अच्छा इसके टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून हमने लिया काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून लिया है चाट मसाला। ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुका है हमको। अब इसमें मैं डाल दूंगी चुटकी भर नमक। इससे अंदर तक का नमक रहता है, आप थोड़ा सा नमक इसमें डाल दीजिए। इसका देखिए थोड़ा सा पानी में डाल कर देख लेंगे इसको। ये देखिए ऊपर तैरने लगा, इसका मतलब कि मेरा बैटर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसको तलते हैं। और इसको छोटी छोटी हल्के हाथों से इसको घुमाएंगे। देखिए ये ऑयल के ऊपर ये तैर रही है। ये देखिए पकौड़ियाँ मेरी अच्छे से तैयार हो गई है। ये देखिए फॉक में मेरे बिल्कुल भी लगा नहीं, हम इसका मतलब कि मेरी पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको निकाल देंगे। अब जो मेरे बैटर बच गया है उसको भी रख देंगे। अभी थोड़ा पानी लगा के करेंगे, चिक्की करेंगे और हाथ देंगे। ये देखिए
देखिए सारी लोरियों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देखिए कितनी नरम है। अब इसको पहले मैं 5 से 10 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर मैं ठंडे पानी से इसको 2 बार वॉश करूँगी। उसके बाद नीम गर्म पानी में इसको भिगो के 10 से 15 मिनट तक के लिए रख देंगे। चलिए अब इसके मसाले को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए गैस की फ्लेम मीडियम फ्लेम पर मैंने ये तवे को चढ़ा दिया है। अब मैं इस पर ये मैंने जो जीरा लिया था उसको डाल दूँगी और ये अजवाइन डाल दूँगी इसमें। मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। ये देखिए जीरा मेरा चटकने लगा है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। ये जो मैंने सारे मसाले लिए थे इसको इसमें डाल देंगे। नमक डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर की जगह खड़ा मिर्चा भी ले सकते हैं, उसको ग्राइंड कर लीजिएगा रोस्ट करने के बाद। मसाला मेरा अच्छे से हो गया। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने रख देंगे। फिर उसके बाद एक मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से फाइन। ये देखिए कौड़ियाँ मेरी ठंडी हो गई थी, इसको मैंने ठंडे पानी से 2 बार वॉश कर लिया है। अब इसमें नीम गर्म पानी रूम टेम्परेचर में डाल देंगे। से 15 मिनट तक इसको पानी में भीगा रहने देंगे। इसको एक प्लेट से ढक देंगे ऐसे और इसके ऊपर एक कटोरी में पानी भर कर रख देंगे, जिससे वजन से सारी पकौड़ियों में अच्छे से पानी जज्ब हो जाए। ये मैंने 300 ग्राम दही लिया है, ये होममेड है दही मेरी। अब इसको एक जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें 3 टेबल स्पून डाल देंगे चीनी। ये देखिए मसाले को भी मैंने अच्छी तरह से देखिए ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसको स्टोर करके ज़्यादा भी इससे ज़्यादा पीस कर और आप फ्रीज कर सकती हैं। 10 से 15 मिनट हो चुका है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए पकौड़ी मेरे बिल्कुल फूल के बड़ी बड़ी हो गई है। अब मैं इसको ये देखिए इसको पहले पानी से निकाल के हल्के हल्के हाथों से इसको पुश करना है ऐसे और फिर इसको सर्विंग डिश में सर्व करना है। इसी तरह से सारी पकौड़ियों को ये देखिए सारे भरे को मैंने पानी उसका निकाल कर सर्विंग उसमें सर्व कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर दही डालूंगी जो मैंने अच्छे से शक्कर डाल के ग्राइंड किया है। आप अपने दही के ऊपर है, आपके दही ज़्यादा खट्टा है तो आप उसमें शक्कर थोड़ा ज़्यादा करके डालिएगा।
अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी ढक कर अच्छे से, उसके बाद फिर मैं गार्निशिंग करूँगी। ये देखिए सारी पकौड़ियों को मैंने अच्छे से दही में कर दिया और 5 से 10 मिनट हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं ये सारे मसाले डालूँगी जो ये मैंने ग्राइंड करके रखे थे। चटनियाँ डाल दूँगी इसके ऊपर। ये मैंने हरी मिर्च, हरी धनिया और पुदीना और नमक और थोड़ी एक जवा लहसुन डाल के इसकी चटनी बनाया है। आपको चटनी पसंद हो तो ही डालिएगा। ये मैंने इमली की चटनी बनाया है। इसी तरह से सारी पर इमली की चटनियाँ डाल देंगे। कुछ गरम मसाले और डाल देंगे इसके ऊपर। अनार के दाने डाल देंगे, आपके पास हो अनार दाने तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा इसको। थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे। ये देखिए कितना इजी और कितना डिलीशियस मेरा दही भल्ले बन के तैयार हुआ है, और जो बहुत ही खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से आप भी बनाइए और मुझे बना के बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आपका दही भल्ला कैसा बना। और हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।